तो कहानी की शुरुआत में हम फी नाम के फाइटर को देखते हैं जो बहुत सारे फाइटर्स के साथ अकेले ही लड़ रहा होता है। फी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए वो सभी फाइटर्स को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। लेकिन वहाँ बहुत सारे फाइटर्स आ जाते हैं, जिनमें से एक फाइटर फी को मारकर नीचे गिरा देता है। तब फी को अपना बचपन याद आने लगता है और हमें पता चलता है कि फी के पिता अनाथ बच्चों की मदद करते थे और उन्हें रहने की जगह देते थे। एक दिन उन्हें फायरी नाम का बच्चा मिलता है जो कि बहुत ज्यादा बीमार था। फी के पिता उसे अपने आश्रम में ले आते हैं और उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तब फी फायरी को मोटिवेट करता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, साथ ही उसे बताता है कि मैं बहुत ताकतवर हूं और मुझे कोई हरा नहीं सकता। अब कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्लैक टाइगर नाम की गैंग मजदूरों को वेयरहाउस से गायब कर रही है और जो भी मजदूर गैंग के खिलाफ होते हैं उन्हें मार दिया जाता है। ये जगह चीन के मरीन सिल्क रोड नाम से जानी जाती है। यहाँ सभी इलीगल काम होते हैं। इसके अलावा यहाँ नॉर्थ सी नाम की गैंग भी है जिसकी ब्लैक टाइगर गैंग से पुरानी दुश्मनी है। ब्लैक टाइगर गैंग फॉरेनर्स के साथ बिजनेस करने के अलावा अफीम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे इलीगल बिजनेस भी किया करती है। इस गैंग के तीन बड़े बॉस हैं जिन्हें टाइगर कहकर बुलाते हैं। इसमें पहला टाइगर नॉर्थ इविल है जो कि मजदूरों का लीडर है, वहीं दूसरा ब्लैक क्रो है जो कि गैम्बलिंग बिजनेस संभालता है और इस जगह से ही सबसे ज्यादा पैसा आता है। इसके बाद तीसरे टाइगर को दिखाते हैं जिसका नाम ओल्ड स्नेक है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग करता है और बहुत ही अय्याश इंसान है। इन तीनों टाइगर्स का बॉस और गैंग का लीडर मास्टर लुई है जो कि तीनों टाइगर्स को अपना मुंह बोला बेटा मानता है। इसके बाद हम फी को कुछ फाइटर्स के साथ देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग में शामिल होने के लिए आ रहे थे। फी का यहाँ आने का मकसद गैंग का फोर्थ टाइगर बनना था। अब सभी को मास्टर लुई के पास ले जाया जाता है। यहाँ लुई सभी के सामने अपने एक आदमी को जान से मार देता है क्योंकि उसने गैंग को धोखा दिया था। अब लुई जलती हुई दो रॉड्स को उन फाइटर्स की तरफ करता है जिससे सभी डर जाते हैं, लेकिन फी बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात से लुई बहुत इम्प्रेस होता है और सभी के लिए चाय मंगाता है जिसके बाद वो सभी को चाय सर्व करते हुए उनके हाथ पर चाय गिराता है। सभी फाइटर्स दर्द के कारण अपने कप को नीचे गिरा देते हैं लेकिन फी उस दर्द को कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद लुई सभी से कहता है कि जो भी नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का सर काटकर मेरे पास लाएगा उसे मैं अपना चौथा मुंह बोला बेटा मान लूंगा और गैंग का फोर्थ टाइगर कहलाएगा। अब हमें कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ फी नॉर्थ सी के मास्टर से फाइट कर रहा होता है। दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है पर फी मास्टर पर हावी हो जाता है और उसका गला काट कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नॉर्थ सी गैंग के लोग आ जाते हैं और फी से लड़ने लगते हैं। ये वही सीन था जो हमें शुरुआत में दिखाया गया था। फी उनसे मुकाबला करता है पर आखिरी में एक फाइटर उसे नीचे गिरा देता है। तब फी का साथी बिग टूथ फी को बचाने के लिए वहाँ रखे क्रैकर्स को जला देता है जिससे सभी फाइटर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और बिग टूथ मौका देखकर फी को बचाकर ले जाता है, जहाँ लुई फी के हाथ में नॉर्थ सी के मास्टर का सर देखकर उसे अपना चौथा बेटा मान लेता है। साथ ही अपने तीनों बेटों से कहता है कि वो इतने सालों में जो काम नहीं कर पाए वो फी ने एक दिन में कर दिखाया। यहाँ ब्लूटूथ फी से दोस्ती करता है और अपने बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। तब फी फिर से अपने बचपन की यादों में खो जाता है जहाँ वो अपने दोस्त फायरी चुन और लिटिल फा के साथ खेल रहा था। फिर घर आने पर उसे पता चलता है कि लिटिल फा को एक आदमी पकड़कर ले जा रहा है, इसलिए फी अपने दोस्तों के साथ उसे बचाने जाता है। लेकिन वो आदमी फी को किक मारकर लिटिल फा को ले जाता है पर अगले ही दिन फी के पिता उस आदमी को पकड़ लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि उसने लिटिल फा को बेच दिया है। इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि जहां नॉर्थ सी गैंग के मास्टर का बेटा वो अपने पिता का कटा हुआ सर देखता है, तब वो कसम खाता है कि मैं अपने पिता की मौत का बदला लेकर रहूंगा। दूसरी तरफ फी गैंग के रूल के अकॉर्डिंग अपनी बैक पर टाइगर का टैटू बनवाता है। तब टैटू आर्टिस्ट उसे गैंग के बारे में कुछ खास बातें बताते हुए कहता है कि गैंग का पूरा पैसा एक ऐसे लॉकर में रखा जाता है जिसकी दो चाबियां हैं। इन चाबियों में एक सिल्वर चाबी है तो दूसरी गोल्ड चाबी है। इन चाबियों का एक सेट लुई के पास है और दूसरा सेट उन दोनों टाइगर्स के पास है जो गैंग को ज्यादा मुनाफा देते हैं, यानी कि एक चाबी ब्लैक क्रो के पास है और दूसरी ओल्ड स्नेक के पास। अब रात में लुई सभी के सामने फी को अपना चौथा बेटा बनाता है, जिस दौरान ऑर्फन नाम की गैंग को देखते हैं जो कि ब्लैक टाइगर गैंग से बदला लेकर मजदूरों को न्याय दिलाने की कसम खाती है। जिसके बाद फी धीरे धीरे नॉर्थ सी गैंग के लोगों का खात्मा करके उनकी जगह छीनने लगता है और एक खतरनाक टाइगर बन जाता है। फी अक्सर ऑर्किड नाम की प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है जो कि फी की अच्छी फ्रेंड थी। एक दिन जब वो ऑर्किड के यहाँ सो रहा था तब उसे हर बार की तरह लिटिल फा का सपना आता है। फी को लगता है कि शायद लिटिल फा को प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया गया होगा, इसलिए वो बहुत दुखी होता है। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि वो फी को पसंद करती है लेकिन फी उसे सिर्फ अपनी दोस्त मानता था। फी ऑर्किड को बताता है कि उसके पिता के दुश्मनों ने उनका अनाथ आश्रम जला दिया था। तब पिता ने सभी बच्चों की जान बचाई पर उस हादसे में उनकी डेथ हो गई। इसके बाद फी फोर्थ टाइगर बनने की खुशी में अपनी गैंग के साथ सेलिब्रेट करता है, जिस दौरान वहाँ नॉर्थ इविल आता है जो कि फी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, जबकि फी की ब्लैक क्रो और ओल्ड स्नेक से अच्छी दोस्ती हो जाती है। यहाँ नॉर्थ इविल फी को लड़ने के लिए उकसाता है पर फी खुद पर कंट्रोल करता है। यहाँ पता चलता है कि नॉर्थ इविल और ब्लैक क्रो की भी आपस में नहीं बनती। तभी ब्लैक क्रो नॉर्थ इविल का मजाक उड़ाता है जिससे नॉर्थ इविल उससे लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ लुई आ जाता है और दोनों को डांटने लगता है, जिसके बाद हम फी के बचपन के दोस्त फायरी और चुन को देखते हैं जो कि अनाथ बच्चों का ख्याल रखते हैं और ऑर्फन गैंग चलाते हैं। यहाँ फायरी चुन को एक ब्रेसलेट देता है पर चुन उस ब्रेसलेट को वापस कर देती है। असल में फायरी चुन से प्यार करता है लेकिन चुन फी को पसंद करती थी।
अगले दिन हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो लुई से 300 मजदूरों को विदेश भेजने की डील करते हैं, जिसके लिए लुई मान जाता है और 300 मजदूरों को किडनैप करके उन्हें विदेश भेजने का सोचता है। इसके बाद फी लुई से पूछता है कि कुछ मजदूर विदेश जाकर काम करना चाहते हैं तो उन्हें किडनैप करने की क्या जरूरत है, जिस पर लुई बताता है कि बिजनेसमैन उन मजदूरों को हमेशा के लिए खरीदने वाले हैं। यहां लुई फी से वू को ढूंढने के लिए कहता है क्योंकि लुई को लगता है कि वू अपने पिता का बदला जरूर लेगा। दूसरी ओर फायरी और चुन को पता चलता है कि एक बच्चा बीमारी के कारण मर गया है, जिस वजह से वो बहुत दुखी होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फायरी और फी का अतीत दिखाया जाता है, जहां वो दोनों अपने पिता की मौत का बदला लेने आश्रम में आग लगाने वाले आदमी के पास जाते हैं, लेकिन किसी ने पहले ही उस आदमी को मार दिया था। तभी फी के पिता का एक दोस्त वहां आता है जो कि एक मंक है। वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है और कई सालों तक उन्हें मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देता है, साथ ही उन्हें सिखाता है कि बदला लेने से अच्छा लोगों की रक्षा करना होता है। फिर एक दिन दोनों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है, तब दोनों मिलकर ऑर्फन गैंग बनाते हैं और लोगों की मदद करने का डिसाइड करते हैं। यहां हमें पता चलता है कि फी ब्लैक टाइगर गैंग में मजदूरों को बचाने के लिए शामिल हुआ है। इसके बाद हम चुन को देखते हैं जो कि लोगों के कपड़े सिलने का काम करके यहां रह रही थी। तभी ऑर्किड उसे देखती है और उसे सिलने के लिए अपने कपड़े देती है। असल में चुन इस काम के जरिए वो फी को मैसेज भेजा करते थे। यहां फी चुन के बैग में एक मैसेज रख देता है, ऐसा करते हुए उसे ऑर्किड देख लेती है, जिसके बाद फायरी और चुन उस मैसेज को देखते हैं जिसमें ओल्ड स्नेक के पास सोने वाली चाबी होने का जिक्र होता है। इसलिए अगली सुबह ऑर्फन गैंग प्लानिंग करके ओल्ड स्नेक से चाबी छीन लेते हैं। तब ओल्ड स्नेक अपने लोगों के साथ चुन का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ फायरी और उसके साथी आकर ओल्ड स्नेक पर अटैक करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। इसके बाद वो उसकी चाबी की कॉपी लेकर उस चाबी को वापस उसकी पॉकेट में रख देते हैं। रात में लुई को पता चलता है कि ऑर्फन गैंग ने ओल्ड स्नेक को मार डाला है, लेकिन जब वो उसकी चाबी को देखता है तो बेफिक्र हो जाता है और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब मास्टर उस चाबी की जिम्मेदारी नॉर्थ ईविल को सौंपता है, जिसके बाद फी बिग टूथ के साथ गैम्बलिंग करने के लिए जाता है, जहां वो बार बार अपने पैसे हारता है। अब क्योंकि फी फोर्थ टाइगर है, इसलिए वो गैंग मेंबर से बार बार पैसे उधार लेता है, पर आखिरी में उसे पैसे देने से मना कर दिया जाता है, जिससे फी को गुस्सा आ जाता है। तब ब्लैक क्रो फी को अपने साथ ले जाकर उसे 50 चांदी के सिक्के गिफ्ट करता है, पर फी उससे 300 सिक्के की डिमांड करता है, जिससे ब्लैक क्रो को गुस्सा आ जाता है। तब फी उसे सोने की चाबी दिखाता है जो कि असली चाबी की कॉपी थी। फी कहता है कि उसने नॉर्थ ईविल के आदमी को इस चाबी की कॉपी बनाते हुए देखा था, इसलिए उसने चाबी छीनकर उस आदमी को वहीं मार डाला। असल में फी का प्लान ब्लैक क्रो और नॉर्थ ईविल को आपस में लड़ाने का था। यहाँ ब्लैक क्रो को लगता है कि ओल्ड स्नेक को नॉर्थ ईविल ने ही मारा होगा, इसलिए अब वो फी के साथ मिल जाता है और उसकी डील मान जाता है। इसके बाद दोनों गैंग का खजाना देखने जाते हैं। ब्लैक क्रो बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास दोनों चाबियां थी। रात में फी मछली पकड़ने जाता है, जहां फायरी भी मछली पकड़ रहा था। फी उसे मछली देते हुए कहता है कि बड़ी मछली फंस चुकी है। तब फायरी घर आकर फी का मैसेज देखता है जिसमें खजाने का मैप था। अगली सुबह चुन ऑर्किड की ड्रेस लौटाने के लिए आती है, जिसमें उसने फी के लिए एक मैसेज रखा था। ऑर्किड चुन से जेलस होती है क्योंकि फी चुन को पसंद करता है, इसलिए वो चुन से झूठ बोलती है कि फी अक्सर उसके कपड़े फाड़ देता है। इस बात से नाराज होकर चुन फी को देखे बिना ही वहां से चली जाती है। यहां फी मैसेज देखता है जिसमें लिखा था कि वो अगले दिन अपना काम शुरू कर देंगे। इसके बाद लुई फी को अपने हथियार दिखाने के लिए ले जाता है। लुई बताता है कि ओल्ड स्नेक के मरने के बाद उसे लगता है कि कोई उसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तभी वो अपने लोगों के साथ वहां आ जाता है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। लुई भी मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होता है, इसलिए बड़ी आसानी से अपने दुश्मनों को मारने लगता है। वहीं फी और वू के बीच फाइट होती है। वू फी पर हावी हो रहा होता है। इसी बीच वू के और भी लोग आ जाते हैं, जिनसे लड़कर लुई उन्हें मारने लगता है। दूसरी ओर वू फी पर कंटिन्यू अटैक करता है। तब लुई आकर उसे बचाता है, जिसके बाद फी मौका देखकर वू का हाथ काट देता है, पर फी उसे जान से मारना नहीं चाहता था, इसलिए लुई फी की तलवार पर किक करके वू को मार देता है। दूसरी ओर ऑर्फन गैंग लुई के अफीम वेयरहाउस को जला देती है, जिस दौरान फायरी को लुई के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक क्रो चुन को भागते हुए देखकर उसका पीछा करता है। इधर मास्टर को कुछ समझ नहीं आता। तब फी इस मामले को सुलझाने के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद हम फायरी को उन लोगों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ज्यादा लोगों के कारण फायरी वहां फंस जाता है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वहीं ब्लैक क्रो चुन का पीछा करते हुए एक घर में पहुंच जाता है, जहां फी अपने लोगों के साथ पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। यहां पता चलता है कि चुन के पेरेंट्स को ब्लैक क्रो ने मारा था। अब वो सभी मिलकर ब्लैक क्रो को मार डालते हैं और उससे दोनों चाबियां चुरा लेते हैं, जिसके बाद फी चुन को बताता है कि वो भी उससे प्यार करता है और अगले ही दिन फायरी को ये बात बता देगा। चुन उससे ऑर्किड के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि ऑर्किड सिर्फ उसकी दोस्त है। अब जैसे ही फी ब्लैक टाइगर के हेडक्वार्टर में जाता है तो देखता है कि उन लोगों ने फायरी को पकड़ लिया है। मास्टर लुई फी से उसे मारने को कहते हैं। तब फायरी लुई को बताता है कि उसका खजाना चोरी होने वाला है। ये सुनकर लुई अपने लोगों के साथ वहां निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि चुन सभी गरीबों के साथ मिलकर खजाने की चोरी कर लेती है। यहां फी फायरी को बचाने के लिए कहता है, जिस पर फायरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है। असल में फायरी नहीं चाहता कि लुई को फी की सच्चाई का पता चले, क्योंकि उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। फी उसे बचाना चाहता था, पर तभी वहाँ लुई अपने लोगों के साथ आ जाता है, जो फी को फायरी की जबान काटने को कहता है। लेकिन तभी गैंग के लोग ब्लैक क्रो की बॉडी लेकर आ जाते हैं। बॉडी चेक करने पर उन्हें
उन्हें ब्लैक क्रो की चेस्ट पर नॉर्थ इविल की छड़ी का निशान दिखाई देता है, जिससे लगता है कि नॉर्थ इविल ने ही ब्लैक क्रो को मारा है। असल में फी ने नॉर्थ इविल की छड़ी की कॉपी से ब्लैक क्रो के चेस्ट पर वो निशान दिया था। नॉर्थ इविल लुई से कहता है कि उसे फंसाने के लिए किसी ने ऐसा किया है और गुस्से में आकर फायरी को सब कुछ सच बोलने को कहता है, जिस पर फायरी उसके कान में कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा और अचानक ही अपनी गर्दन को ओल्ड स्नेक की तलवार के पास लाकर काट लेता है, जिससे फायरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। अब सबको लगता है कि नॉर्थ इविल ने जानबूझकर फायरी को मारा है, लेकिन लुई को अभी भी शक था कि इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। यहाँ फी फायरी की मौत से दुखी होकर उसके साथ बिताए अच्छे दिनों को याद करने लगता है। इसके बाद हम फी को ऑर्किड के पास देखते हैं। फी बहुत रोता है और ऑर्किड को फायरी की मौत के बारे में बताता है। फी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब फायरी के बिना उन 300 मजदूरों का पता कैसे लगाएगा। साथ ही नॉर्थ इविल को भी उस पर शक हो गया है। तभी हम देखते हैं कि बिग टूथ फी की बातें सुन रहा है, लेकिन वो इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। फी बाजार में आकर नोटिस करता है कि लुई के लोग चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन वो ऑर्फन गैंग को अलर्ट रहने और मिशन को अवॉइड करने का सोचता है। फी एक स्टोरी सुनाने वाले आदमी के पास जाता है और उसे एक ऐसी स्टोरी सुनाने को कहता है जिसे सुनकर ऑर्फन गैंग तक उसका मैसेज पहुंच जाएगा। फी का ये प्लान काम करता है और सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। लुई जब उस स्टोरी को सुनता है तो उसे समझ आ जाता है कि किसी ने उन लोगों को अलर्ट करने के लिए उस आदमी को स्टोरी सुनाने का बोला होगा, इसलिए वो आदमी उससे पूछता है कि ये स्टोरी सुनाने का किसने कहा। पर वो आदमी अंधा होता है, इसलिए मास्टर उसे आवाज पहचान कर उस आदमी का पता लगाने का बोलता है। मास्टर के सभी लोग एक एक करके उसके कान में उसकी स्टोरी का नाम लेते हैं, पर फी उस आदमी के कान में कहता है कि मैं उसी गैंग का मेंबर हूं जिसने कल रात सबको खजाना दिलाया था। ये सुन वो अंधा आदमी मास्टर को फी का सच नहीं बताता। इसके बाद हम नॉर्थ इविल को देखते हैं, जो अपनी सिक्योरिटी बढ़ाकर एक रूम में मसाज करवा रहा था। तभी ऑर्किड अपने साथी के साथ वहाँ आती है और नॉर्थ इविल से मिलने का कहती है। ऑर्किड नॉर्थ इविल से मिलकर उसे फी की सारी सच्चाई बताते हुए कहती है कि मैं अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। यहाँ ऑर्किड की बातों से पता चलता है कि उसका असली नाम फा है और ये वही लड़की है जिसके बारे में फी हमेशा बात करता था। जिसके बाद नॉर्थ इविल उसके साथ रोमांस करता है। तब ऑर्किड मौका पाकर नॉर्थ इविल पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और जान से मार डालता है। अब वो ऑर्किड की साथी की ओर आता है, जो कि चुन होती है। जैसे ही नॉर्थ इविल उसके पास आता है, वो उसे जान से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्किड ने फी के लिए ही नॉर्थ इविल को मारने का डिसीजन लिया था, क्योंकि वो हमेशा के लिए फी के दिल में रहना चाहती थी। दूसरी तरफ फी को मजदूरों की लोकेशन पता चल जाती है। जब फी चुन के साथ होता है, तब चुन उसे ऑर्किड की सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर फी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फी अपने लोगों को इकट्ठा करके लुई से लड़ने का कहता है और फिर सभी लोग पूरे शहर में लुई की सच्चाई के बारे में बताने लगते हैं, जिसके कारण सभी लोग लुई के खिलाफ हो जाते हैं। तब लुई ऐलान करता है कि जो भी फी को मारेगा उसका मुंह बोला बेटा बन जाएगा, जिसके बाद लुई के लोग पूरे शहर में दंगे करके लोगों को मारने लगते हैं। तभी हम फी को देखते हैं जो अपने साथी को बचाकर ले जा रहा होता है। तब बिग टूथ उसकी हेल्प करता है और गैंग के खिलाफ लड़ाई करता है। इसके बाद फी अपने साथियों के साथ जाकर मजदूरों को आजाद कर देता है और फिर सभी मजदूर लुई के पास जाकर आंदोलन करने लगते हैं। तब फी लुई से कहता है कि अगर उनके बीच लड़ाई हुई तो काफी लोगों की जान जाएगी, इसलिए उसने फैसला किया है कि सिर्फ वो और लुई आपस में फाइट करेंगे, जिसके लिए लुई मान जाता है। फाइट करने से पहले फी रूम में आग लगवा देता है। फिर हम दोनों के बीच फाइट देखते हैं, जिसमें मास्टर लुई फी को बुरी तरह मारता है, पर बाद में फी लुई पर हावी होता है और उसे नीचे गिरा देता है। फी लुई का हाथ पकड़कर उसे बचाना चाहता है, लेकिन लुई इसकी मदद लेने से मना कर देता है और नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद फी एक अनाथ आश्रम खोलता है और अपने पिता का सपना पूरा कर देता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।